सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। सरकारी अस्पताल, हम अस्पताल में देखा रहे थे, हम लोग सुबह के 8 बजे के बैठे हैं, दिखा रहे थे, तो मरीज जो बात के आ रहे हैं उनको दिखाते जा रहे थे। हमने कंपाउंडर से कहा कि हमें भी अंदर चले जाने दो, तो कंपाउंडर ने हमको धक्का पीछे को दे दिया, लड़के को घसीट के अंदर फेंक दिया। अब 2-3 लोग अंदर थे, सो लोग मारपीट करने लगे, तब फिर हमने घर वालों को फोन लगा के बुलाया, फिर लोगों ने सब लोग स्टाफ इकट्ठा हो गया और बस लड़के को मारा पीटा है और जो एक दो लोग आए उनको भी मारा पीटा है, नहीं ले आए, अंदर ही बंद करके मारा है सभी स्टाफ। हम 2 लोग हैं, तुम ताला सब जगह के बंद कर लोगे, मरीजों को तुम लोग देखने के लिए बुलाते हो कि बंद करके मारने के लिए बुलाते हो? पूरे स्टाफ के हम पहचानते हैं, क्या पूरा स्टाफ इकट्ठा होगा? 20-30 से क्या कमरे होंगे, पूरे डॉक्टर भी रहे और फिर मरीज भी रहे सब, आप कमरे के अंदर कौन देखता है? अब चोट वोट को लौचा पीटा है, कब हाथ मारा है, चोट वोट को पता नहीं है, कपड़े अपड़े फाड़े फाड़े हैं, हम लोग रहे 3-4 लोग, पूरा स्टाफ इकट्ठा हो गया है, सबके कपड़े भी फाड़ा रहे हैं, हमको भी धक्का मुक्की दी है, तो कमरे के अंदर कौन देखता है कि किसके साथ क्या हो रहा है मरीज के साथ? तुम लोग मरीज सब डॉक्टर लोग एक हो जाओगे, मरीज तो कोई ना कुछ बोलेगा, मरीज गरीब है इसलिए मरीज की सुनाई ना होगी, डॉक्टरों की सुनाई होगी। हम चौकी में है, ये सर जो बाद वाले नंबर वाले आते हैं उनको सर पहले बेल दिया जाता है, हम लोग लाइन पे लगे रहे हैं सर, अभी कोई न्यायाधीश यहाँ से आए तो उसे सर पहले बेल दिया, जुगाड़ वाले सर पहले चले जाते हैं लाइन वाले सर, हम लोग 9 बजे खड़े हैं, हमको सर कंपाउंडर ने घसीट दिया अंदर और फिर हमने मार दिया, तो सर हमको सब सामने बेल के मारा जाएंगे, हमारे भाई हमारे भाई देखिए सर किस तरह मारा है, मम्मी को भी सबको बेल के मारे कह रहे हैं, साले तुमको बेल के मारेंगे कह रहे थे, पुलिस में शिकायत की, इसमें अभी शिकायत मार रहे हैं, पुलिस में शिकायत करेंगे, दरवाजे बंद करवाते हैं, पुलिस में कहां शिकायत कर रहा है, पुलिस में शिकायत करने के लिए। मरीजों के पर्चे लगे हुए थे बारी बारी से, अंदर वो नाम बताती नहीं बैठक, उनको बुलाते थे वो जाते थे, ये घुसने लगे एकदम से, तो थोड़ा सा हमने रुक जाइए, थोड़ा भीड़ लगी है अंदर, थोड़ा रुक के जाइए, तो वो सीधे हाथ घसी लिया से झापड़ मार दिया, किसने चार पाँच झापड़ मार दिया, चतवा तो किसने, अब ये भी नहीं मालूम वो चला गया भर गया, नाम का पर्चा हमने देखा ही नहीं था ना, उसका ही नहीं था पर्चा, कतई ऐसी बात नहीं, यहाँ डॉक्टर
पांडे जी के यहाँ बिल्कुल ईमानदारी से काम होता है, हम सब लोग ईमानदारी से काम करते हैं, पूरा चेकअप होता है तब अगले को बुलाया जाता है। फिर जो शुगर जांच सामने तुरंत हो जाती है तो शुगर करा के तुरंत आते हैं, वो लोग जो दिखा चुके होते हैं वो घुसते हैं अंदर से, जिनका नंबर लगा होता वो नहीं जाते, तो उनको कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ नहीं नहीं ऐसा नहीं। विवाद ये हुआ था कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, कार्डियोलॉजी के मरीज देखे जाते हैं वहाँ पे, पांडे जी तब तो खेल पाने लगते हैं, एक वार्ड में मरीज करते हैं, एक एक मरीज को अपने नंबर के हिसाब से एक एक करके भेज रहा था। एक तरह एक पेशेंट आया, उधर जाने लगा तो उसके हाथ रखे होता नहीं, एक पेशेंट अंदर गया उसके बाद में जाइए जी, इतने में ही उसने जो है उसने दो थप्पड़ लगा दिए, उसका शीशा टूट गया और पांडे जी को भी गाली गलौज करने लग गया, तो उसका बहुत से बहुत आ गया और हमने एसपी को फोन लगाया, कोतवाली को लगाया, आए दिन जिला अस्पताल में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन करते क्या है, मजबूरी हमारी है कि भाई हम लोग को जनता की सेवा करनी है, तो हम लोग जो है सब कुछ होते हुए भी सहन करते हुए भी काम करते हैं, लेकिन मरीज के ईमानदार जो है इस तरह से पेश आएंगे तो सरकारी कर्मचारी कैसे काम करते हैं। इसी रहे वो भाग रहे थे सब लोग, चार लोग थे तो सब लोगों ने मिलकर उनको रोका है, जब तक पुलिस नहीं आती है तब तक उनको रोका गया, कोई निशान नहीं है, किसी ने कुछ नहीं मारा है, यहाँ टी शर्ट वो आपस में खुद फाड़ी है उन लोगों ने हमारे सामने। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।